हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू न्यू लेक्चर बाय पीडब्ल्यू स्किल्स। आज के लेक्चर में हम कवर कर रहे होंगे थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक, जो कि है नंबर सिस्टम। अब ये जो है डायरेक्टली कहीं रिलेटेड नहीं है किसी C++ कॉन्सेप्ट से, लेकिन ये एक जेनेरिक कॉन्सेप्ट है जो कि शायद हम बाकी जगहों पे यूज कर रहे होंगे अपने प्रोग्रामिंग में, तो उसके लिए हम इसको कवर कर लेते हैं। नंबर सिस्टम को कुछ कुछ मैंने पहले मेंशन कर रखा है पिछले वीडियोस में, लेकिन तब वहाँ पे मैंने डिटेल में बात नहीं करी थी, तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, जब भी मैंने बाइनरी के बारे में आपको बताया था कि जो 0 और 1 होता है हमारा, एंड बाइनरी ऑपरेटर्स की जब हम बात कर रहे थे ऑपरेटर्स वाली वीडियो में, तब मैंने आपको मेंशन किया था, लेकिन हम आज की वीडियो में इसको डिटेल में समझेंगे। अगर आपको वहां पे नहीं समझ में आया था, दैट्स फाइन। एंड इस कोर्स में इसी तरह हम हर चीज को, किसी भी चीज को हम ऐसे बोल के छोड़ नहीं देंगे, हम हर चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नंबर सिस्टम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि होता क्या है। तो नंबर सिस्टम, यार, there are plenty of systems जहां पे these are used to represent a number using different forms। ठीक है, तो किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ डिफरेंट फॉर्म्स यूज होते हैं, यूजिंग डिफरेंट बेस वैल्यूज, एंड उनको हम नंबर सिस्टम्स बोलते हैं। अब ये बेस वैल्यू का यहाँ पे मतलब क्या है? जो हम नॉर्मली रियल लाइफ में नंबर्स यूज करते हैं, वो एक नंबर सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे 520 रुपीज चाहिए या 260 ग्राम्स कि मुझे भिंडी चाहिए, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो मैं नंबर्स यूज कर रही हूँ, दीज बिलोंग टू द डेसिमल नंबर सिस्टम। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम में मेरे जो कॉमनली यूज होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम इज अ नंबर सिस्टम जहाँ पे मेरी बेस वैल्यू जो है वो होती है 10। 10 इज माय बेस वैल्यू हियर। ठीक है, सिमिलरली ऐसे और भी नंबर सिस्टम्स होते हैं जिसमें डिफरेंट बेस वैल्यूज होती है। अब यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया कि हमारी बेस वैल्यू जो है वो 10 होती है, एंड अगर किसी भी नंबर को मैं डेसिमल नंबर सिस्टम में लिख रही हूँ तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूं यूजिंग 0 to 9 डिजिट्स एंड पावर्स ऑफ 10। किसी भी नंबर को मैं 0 to 9 डिजिट्स एंड पावर्स ऑफ 10 के फॉर्म में लिख सकती हूं डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरे को 520 रुपीज दे दो। ठीक है, 520 को मैं कैसे लिख सकती हूं? I can write this as 5 × 10^2 plus 2 × 10^1 plus 0 × 10^0, right? So similarly, if I have some number 6, 7, 4, 3, similarly I can write this as 6 × 10^3 plus 7 × 10^2 plus 4 × 10^1 plus 3 × 10^0. सिमिलरली मैं ऐसे किसी भी नंबर को हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 डिजिट्स एंड पावर्स ऑफ 10 के फॉर्म में लिख सकती हूँ, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो 10 के पावर्स हैं वो 1 से रिड्यूस होते जाते हैं एज वी मूव फॉरवर्ड, क्योंकि जो सबसे लास्ट वाला डिजिट है उसको हम 10^0 से मल्टीप्लाई करो, जो हमारा यूनिट डिजिट होता है, जो वंस प्लेस पे होता है। फिर हमारा जो टेंस प्लेस पे होता है उसको हम 10^1 से करते हैं मल्टीप्लाई, जो हंड्रेड्स प्लेस पे नंबर है उसको 10^2 से करते हैं, सो ऑन। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट एनी नंबर इन डेसिमल नंबर सिस्टम। अब मैंने आपको बोला कि ऐसे और भी हमारे नंबर सिस्टम्स होते हैं, तो ऐसे ही एक नंबर सिस्टम होता है बाइनरी नंबर सिस्टम।
बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारा जीरो और वन डिजिट्स यूज होते हैं एंड यूज होता है टू की पावर्स, पावर्स ऑफ टू। तो यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम में जो हमारी बेस वैल्यू होती है वो होती है टू, ठीक है, इसलिए हम पावर्स ऑफ टू के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर को। तो यहाँ पे हमें अगर कोई भी नंबर मैं लिख रही हूँ 1010, नाउ दिस इज अ बाइनरी नंबर, ठीक है, सो दिस इज नॉट 1010, ओके, दिस इज अ बाइनरी नंबर। एंड ये सिग्निफाई करने के लिए कि ये एक बाइनरी नंबर है, हम उसके सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं जो भी बेस नंबर है। सिमिलरली अगर ये एक डेसिमल नंबर होता, ठीक है, अगर मैं 1010 लिखना चाहती जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम का है, तो मैं यहाँ पे 10 लिख देती, ये सिग्निफाई करते हुए कि दिस इज अ डेसिमल नंबर, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं होता तो हम बाय डिफॉल्ट उसको डेसिमल ही मान लेते हैं, बट इट्स अ गुड आइडिया टू राइट दिस कि सबस्क्रिप्ट में कि कौन सा बेस वैल्यू, उससे हमें पता चल जाएगा कि दिस इज विच नंबर सिस्टम। सो दिस इज बाइनरी नंबर सिस्टम एंड यहाँ पे हम इस नंबर को 0-1 डिजिट और पावर्स ऑफ टू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, हम इसको लिखेंगे 1 × 2⁻³ प्लस 0 × 2⁻² प्लस 1 × 2⁻¹ प्लस 0 × 2⁻⁦, ठीक है। तो जैसे हम 10 के पावर्स में लिख रहे थे डेसिमल नंबर सिस्टम में, वैसे ही हम यहाँ पे 2 के पावर्स में लिख रहे हैं इन बाइनरी नंबर सिस्टम। एंड जो भी हमारी पावर्स हैं ऑफ जो भी हमारा बेस वैल्यू है, दे रिड्यूस बाय 1 एज वी मूव टूवर्ड्स द वंस डिजिट या फिर एज वी मूव टूवर्ड्स राइट, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज अ बाइनरी नंबर। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ 0111, ठीक है, तो अगेन दिस इज 0 × 2⁻³ प्लस 1 × 2⁻² प्लस 1 × 2⁻¹ प्लस 1 × 2⁻⁦, ठीक है। ऐसे कितने भी मेरे 0 और 1 के डिजिट्स हो सकते हैं, राइट। एंड अगर ऐसे कोई बड़ा सा नंबर है जिसको आपको लिखना है इस फॉर्म में हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो ये आपको इस लाइक इस फॉर्म में लिखना है इन टर्म्स ऑफ 0-1 एंड पावर्स ऑफ 2, तो आपको जस्ट ये देखना है कि दिस डिजिट, एवरी डिजिट इनटू 2⁻², हाउ मेनी डिजिट्स आर आफ्टर दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट, सो दिस विल बी 2⁻⁷ एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हम लोगों को समझ में आ गया है कि हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारा बेस वैल्यू होता है 10, वहां पे हम 0 to 9 डिजिट्स एंड 10 के पावर्स में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारा बेस वैल्यू होता है 2 एंड यहाँ पे हम 0 and 1 डिजिट एंड 2 के पावर्स में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक और नंबर सिस्टम होता है जो कि होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारा जो बेस वैल्यू होता है दैट इज 16 एंड यहाँ पे किसी भी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 to 15 एंड पावर्स ऑफ 16 के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे 0 to 9 तो डिजिट्स ही होते हैं, लेकिन 10 को आप एज अ सिंगल डिजिट कैसे लिखोगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 10 से लेके 10 के आगे वाले नंबर्स को हम अल्फाबेट्स दे देते हैं। 10 इज ए, 11 इज बी, 12 इज सी, 13 इज टी, 14 इज ई, 15 इज एफ एंड 15 तक ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक नंबर दे रही हूँ आपको 4A5C एंड मैं लिख रही हूं उसके सबस्क्रिप्ट में 16, दैट मींस दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर एंड इसको मैं लिख सकती हूं एज 4 × 16³ प्लस ए वाज 10, राइट, तो 10 × 16³ प्लस 5 × 16⁻¹ प्लस सी वाज 12, तो 12 × 16⁻¹,
ठीक है. सो इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर इन द नंबर सिस्टम इफ यू नो द बेस वैल्यू. ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारी बेस वैल्यू है 10, बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस वैल्यू है 2 एंड हेक्साडेसिमल में है 16. ठीक है, तो ये हेक्साडेसिमल वाला मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है, बट ये यहाँ पे हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे, हम ध्यान दे रहे होंगे डेसिमल नंबर सिस्टम पे और बाइनरी नंबर सिस्टम पे. तो अब बात आती है कि इनको नंबर्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर बाइनरी से किसी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हाउ वुड वी डू दैट. तो अगर मैंने यहाँ पे एक नंबर दिया आपको 1011, ठीक है, इसको ये ऑब्वियसली बाइनरी नंबर है हमारा, इसको अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप इसका बाइनरी फॉर्म में लिखिए. इसको कैसे होगा, ये 1 into 2 raised to power 3 प्लस 0 into 2 raised to power 2 प्लस 1 into 2 raised to power 1 प्लस 1 into 2 raised to power 0, राइट. सो दिस वुड कम आउट एज ये 8 हुआ प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, सो दिस इज 11. नाउ दिस इज हमारा डेसिमल वैल्यू ऑफ दिस बाइनरी नंबर. ठीक है, सो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था नंबर इन बाइनरी, दिस इज एक्चुअली 11 इन डेसिमल. सो इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट एनी बाइनरी नंबर टू डेसिमल. ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका. यहाँ पर सपोज आई हैव दिस नंबर 101, ऑलराइट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 into 2 raised to power 2 प्लस 0 into 2 raised to power 1 प्लस 1 into 2 raised to power 0, एंड दिस वुड कम आउट टू बी 4 प्लस 0 प्लस 1 विच इज 5. सो दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5 इन डेसिमल. ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप ऐसे कैलकुलेट करके कैसे किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कर सकते हैं. अब हमें इसको कोड में करना है. वी हैव टू राइट कोड जिसमें हमें यूजर से कुछ बाइनरी नंबर लेना है इनपुट एंड हमें उसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में. तो अगर आपको इसका लॉजिक समझ में आ रहा है तो कोड तो हम लिख ही लेंगे, राइट. एंड लॉजिक जो है मैंने क्या बताया यहाँ पे, कि अगर 101 तुम्हारे पास नंबर है, तुम एक एक करके उसका डिजिट लो एंड उसको 2 के कुछ पावर से हमें मल्टीप्लाई करना है. अब 2 की पावर जो है, हम राइट जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि वो डिक्रीज हो रही है एंड लेफ्ट जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है, राइट. तो हम क्या कर सकते हैं, हम जब लूप्स पढ़ रहे थे तो हमने लूप्स के टाइम पे क्वेश्चन किया था जहां पे हम लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे, राइट, यूजिंग द मॉड्यूलो ऑपरेटर. ठीक है, अगर हम किसी भी नंबर को मॉड्यूलो 10 करते हैं तो उसका जो भी लास्ट डिजिट होता है वो हमें मिल जाता है, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 10 से जब डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो होगा लास्ट डिजिट. ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा हमारी लास्ट डिजिट जो कि है 1. अब इस 1 को हमें 2 के कुछ पावर से मल्टीप्लाई करना है और वो पावर क्या होगी, वो पावर क्योंकि ये सबसे लास्ट डिजिट है तो वो पावर होगी 2 raised to power 0, राइट. सिमिलरली हम ये वाली डिजिट जो है नेक्स्ट आइट्रेशन में, नेक्स्ट बारी में हम लास्ट डिजिट हटा देंगे, उसके बाद हमारी लास्ट डिजिट क्या होगी नंबर में, 0 होगी. ठीक है, 0 को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 raised to power 1 से, फिर 0 भी हट जाएगा, फिर 1 बचेगा, 1 को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 raised to power 2 से, और फिर सब इस सबको जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास 5 आ जाना चाहिए, राइट. ये मैं बस आपको थोड़ा सा बता रही थी कि हम कोड में इसको कैसे करने वाले हैं. अगर आपको ये समझ में आ गया है कि मैं आपको कैसे बता रही हूँ तो अभी वीडियो पॉज करो और जाके खुद इस क्वेश्चन को कोड करो, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत ऐसा कुछ कर रखा है पहले वाले वीडियोस में. तो गो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन आउट योरसेल्फ. ठीक है, तो अगर नहीं हुआ है क्वेश्चन, दैट्स फाइन, हम यहाँ पे साथ में कोड कर लेते हैं इसको. तो सबसे पहले यूजर से एक हम नंबर ले रहे होंगे
ठीक है, इंटीजर, जो कि हम यहाँ पे यूजर से एक बाइनरी नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अब हमें क्या करना है, हमें ऑब्वियसली हमें लूप लगाना पड़ेगा जहां पे हम हर बारी हर आइट्रेशन में लास्ट डिजिट जो है हमारे बाइनरी नंबर की वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको 2 की कुछ पावर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसको किसी आंसर में स्टोर कर लेंगे. नेक्स्ट आइट्रेशन में हम अपनी उससे पहले जो हमने पहले डिजिट निकाली लास्ट डिजिट उसको हटा देंगे, तो उससे पहले वाली जो डिजिट थी अब वो हमारे पास आ जाएगी. एंड सिमिलरली वी विल कीप डूइंग दिस जब तक हमारा जो एन जो इनपुट है वो जीरो नहीं हो जाता, राइट. तो सबसे पहले हम अपना आंसर स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बना देते हैं जिसको मैं इनिशियलाइज कर रही हूँ जीरो से. एंड हमारा वाइल लूप हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे और यहाँ पे हम जो कंडीशन लगाएंगे वो ये लगाएंगे कि वाइल एन इज मोर देन जीरो. अब वाइल एन इज मोर देन जीरो क्यों, एन जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि हर स्टेप पे हम एन को डिवाइड बाय 10 कर रहे होंगे. वाई क्योंकि हमें लास्ट डिजिट को हमने एक्सट्रैक्ट तो कर लिया यूजिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर. जब हमने मॉड्यूलो ऑपरेटर लगाया अपने 101 पे तो हमें 1 मिल गया, लास्ट वाला 1. अब हमें वो 1 जो लास्ट वाला 1 है वो हटाना है 101 से, तो उसके लिए हम उसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो उसे 1 और 0 बच जाएगा, राइट. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लास्ट डिजिट निकालते हैं. हमारा लास्ट डिजिट निकलेगा n मॉड्यूलो 10 करके. लास्ट डिजिट हमने निकाली, अब जो लास्ट डिजिट है उसको हमें आंसर में कैसे डालना है. लास्ट डिजिट इनटू सम पावर ऑफ 2 करना है हमें, ठीक है. और वो पावर ऑफ 2 जो है वो बढ़ती रहेगी एट एवरी स्टेप. जो सबसे लास्ट वाला डिजिट है वो 2^0 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि 1 से. एंड दैट देन एट एवरी स्टेप वो 2 की पावर बढ़ती रहेगी, 0 से 1 फिर 2 फिर 3 एंड सो ऑन, राइट. तो उसके लिए भी हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट पावर, जिसको मैं इनिशियलाइज कर रही हूँ 1 से, क्योंकि हम लास्ट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो मैं लास्ट डिजिट को इंटू पावर कर दूंगी एंड देन आई विल add this entire thing to my answer, right? और इसके बाद मुझे क्या करना है, मेरा power जो है वो multiply हो जाएगा 2 से and मेरा जो n है वो divide हो जाएगा 10 से, right? So that मैं last digit हटा दू, ठीक है. इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, answer plus is equal to last digit into power, right? तो हमें फिर brackets नहीं use करने पड़ेंगे, alright? तो हम लास्ट एक एक डिजिट हटा रहे हैं, उसको 2 की पावर से कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड वी आर एडिंग इट टू द आंसर. सो वी शुड गेट आवर डेसिमल फॉर्म ऑफ द बाइनरी नंबर. लेट्स प्रिंट दिस एंड रन. तो यहाँ पे सबसे पहले 101 देते हैं हम, हमें पता है 101 इज 5, सो वी आर गेटिंग 5, राइट. एक और नंबर देखते हैं 1011, जो कि हमने अभी देखा था एग्जांपल एंड दिस वाज कमिंग आउट टू बी 11. तो यहाँ पे हमारा आंसर 11 है, राइट. तो हमने जो है ये प्रोग्राम लिखे हैं जहां पे हम किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं. अब बात करते हैं वापस यहाँ पे कि कोई डेसिमल अगर हमें नंबर दिया हुआ है तो उसको कैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझो, सपोज मेरे पास एक नंबर है 14 और मुझे इसको कन्वर्ट करना है टू बाइनरी. ये करने के लिए हम कोड का पहले बाद में देखेंगे. पहले यहाँ पे अगर आपको नॉर्मली इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो आप कैसे करोगे, उसके लिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझो जो कि है पैरिटी डिजिट. पैरिटी डिजिट क्या होता है, पैरिटी डिजिट जब हम किसी भी नंबर n को मैं डिवाइड बाय 2 करती हूँ तो जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर या तो 0 या 1 आएगा. Obviously, अगर मैं किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करूं द रिमाइंडर विल बी ईदर 0 और इट विल बी 1. तो जो रिमाइंडर आता है वही हमारा पैरिटी डिजिट होता है. एंड अगर
एंड अगर ये पैरिटी वन होती है तो हमारी पैरिटी मानी जाती है ऑड ऑफ नंबर एन, एंड अगर हमारा रिमाइंडर जीरो आता है तो पैरिटी इवन मानी जाती है फॉर आर नंबर एन. ठीक है, तो यहाँ पे हम डेसिमल किसी भी नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम पैरिटी डिजिट निकाल रहे होंगे. कैसे? सपोज मेरे पास नंबर है 14, ठीक है, इसको मुझे 2 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर हर स्टेप पे स्टोर करना है. ठीक है, जब तक ये नंबर जीरो नहीं हो जाता है तब तक मुझे उसे 2 से डिवाइड करते रहना है एंड आई हैव टू स्टोर द पैरिटी डिजिट्स. तो 2 से अगर मैं 14 को डिवाइड कर रही हूँ तो आंसर आएगा 7 एंड रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 0. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पैरिटी डिजिट लिख ली. नाउ अगेन मैंने 7 को 2 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर आएगा 3 और पैरिटी आएगा 1. नाउ 3 को 2 से डिवाइड करूंगी तो आंसर आएगा 1 एंड मेरी पैरिटी क्या आएगी? 1. अगेन 1 को इफ आई डिवाइड बाय 2 द आंसर वुड बी 0, राइट, एंड माय पैरिटी वुड बी 1. नाउ 1 1 1 0, आई मीन ये जो पैरिटी डिजिट्स हमने निकाली हैं एट एवरी स्टेप, इसको इस वे में अगर आप लिखोगे तो दिस इज द डेसिमल फॉर्म फॉर 14. तो इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं. कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? इसको वापस, जो हमने इसको बाइनरी बनाया इसको वापस हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं. कैसे करेंगे? अभी जैसे देखा था 1 × 2^3, कितने डिजिट्स हैं इसके बाद? 3, तो 2^3 हो जाएगा. ठीक है, फिर 1 × 2^4, ये वाले 1 के आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 प्लस 1 × 2^4, ये वाले 1 के आगे 1 डिजिट है तो 2^1 प्लस 0 × 2^0. ठीक है, तो ये क्या आएगा? 8 + 4 + 2 + 0 विच इज नथिंग बट 14. ठीक है, तो ये हमारे 14 को हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करके देख लिया है. अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि ये कैसे करना है आपको डेसिमल टू बाइनरी. 5 के लिए देख लेते हैं कि 5 को अगर ये डेसिमल है एंड इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा? सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 2 आएगा एंड हमारी पैरिटी डिजिट क्या आएगी? 1. ठीक है, 2 को आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा एंड रिमाइंडर जो हमारा पैरिटी डिजिट है वो 1 है. फिर 2 को दोबारा 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1 एंड पैरिटी डिजिट आएगी 0. एंड 1 को दोबारा जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर आएगा 0 एंड पैरिटी डिजिट आएगी 1. ठीक है, तो ये हमें करते रहना है 2 से डिवाइड जब तक हमारे यहाँ पे 0 नहीं आ गया. 0 आ गया तो विल स्टॉप एंड यहाँ पे रिवर्स में हम अपने डिजिट्स को लिख लेंगे 1 और 0 को. तो ये 101 यहाँ पे बन गया एंड 101 जो है हमारा बाइनरी वर्जन है फॉर 5. एंड इसको आप वापस दोबारा से कंफर्म कर सकते हो बाय कन्वर्टिंग इट बैक टू डेसिमल. तो ये 2^2 हो जाएगा प्लस 0 × 2^1 प्लस 1 × 2^0. ठीक है, तो दिस विल कम आउट टू बी 4 + 0 + 1 इज इक्वल टू 5. ठीक है, तो ऐसे जो है आप किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो. एंड इसके और जो है आपको ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं खुद से. आप 2-3 नंबर्स के साथ प्रैक्टिस करोगे फॉर कन्वर्टिंग देम डेसिमल टू बाइनरी एंड देन बाइनरी टू डेसिमल, तो ये फंडा आपको समझ में आ जाएगा. ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, तो देखते हैं अब इसको कोड में. सबसे पहले हम यूज़र से एक डेसिमल नंबर जो है एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे एंड आंसर को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बना देते हैं जिसको इनिशियलाइज कर रहे हैं हम 0 से. एंड पावर्स को पावर जो 10 की पावर से हमें मल्टीप्लाई करना है एट एवरी स्टेप, उसके लिए एक वेरिएबल बना दिया जिसको इनिशियलाइज कर दिया 1 से. अगेन क्योंकि जो सबसे लास्ट वाली डिजिट है उसको हम 10^0 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे विच इज 1, राइट.
तो यहाँ पे हमारा जो while लूप लगेगा अगेन वो यही लगेगा जब तक n मोर देन जीरो है, क्योंकि हम एट एवरी स्टेप उसको डिवाइड बाय टू कर रहे हैं जब तक वो जीरो नहीं हो जाता, राइट? तो सबसे पहले लास्ट जो हमारी पैरिटी डिजिट है, लास्ट डिजिट नहीं, जो पैरिटी डिजिट है वो निकालेंगे नंबर की, विच इज n मॉड्यूलो 2, एंड आंसर में प्लस इक्वल टू कर देंगे हम पैरिटी डिजिट इनटू जो भी हमारी पावर है, देन पावर को हम बढ़ा देंगे बाय 10, ठीक है? तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, एंड जो हमारा नंबर है n वो डिवाइड हो जाएगा 2 से, ठीक है? एट एवरी स्टेप हम पैरिटी डिजिट निकाल रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 की कुछ पावर से और ऐड कर रहे हैं आंसर में, और हमारा जो नंबर n है उसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ठीक है? एंड वी डूइंग दिस जब तक हमारा नंबर n जीरो नहीं हो जाता। तो लास्ट में इसको प्रिंट करके देख लेते हैं एंड रन डेसिमल टू बाइनरी, सो लेट्स गिव सम। हमने 14 का यहाँ पे देखा था बाइनरी 1110, राइट? वी कैन ट्राई दिस अगेन, लेट्स सी कि हमारा 11 का सही बता रहा है हमें या नहीं। यस, दिस इज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, द बाइनरी फॉर 11। तो यहाँ पे हमने आज देख लिया है कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, एंड हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने नंबर्स को। अगर आपने ये प्रोग्राम्स आप खुद लिख पाए तो वेरी वेरी गुड, वेरी गुड प्रोग्रेस। नहीं हो पाया, इट्स फाइन, हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसी प्रोग्राम को आप दोबारा लिखिए, ठीक है? बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एंड ऑब्वियसली आगे जाके लेक्चर्स में आपसे खुद क्वेश्चंस हो ही रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।